अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑनलाइन इंडस्ट्री वी के साथ मैं हूं दिलबर खोकर। नाजरीन आपको आगाह करते चलें, साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी का अमल शुरू हो गया। एहतसाब अदालत के हुक्म पर साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी का अमल शुरू हो गया। शेखपुरा में नवाज शरीफ की 11 एकड़ 4 मरले ज़मीन आज नीलामी के लिए पेश की गई और उस सिलसिले में जायदाद की नीलामी के लिए अदालती हुक्म पढ़कर सुनाया गया। जबकि जायदाद की नीलामी के दौरान दो दावेदार साहिल सामने आ गए। दावेदार मुख्तार हबीब और नवीद नासिर ने दावा किया कि वो ज़मीन के विरासती मालिक हैं और ज़मीन उनकी है, उसकी नीलामी कैसे की जा सकती है। जिले इंतजामिया ने जमीन के दावेदारों को अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी। साबका वजीर आजम नवाज शरीफ की जमीन की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है, ताल किसी ने भी बोली में हिस्सा नहीं लिया। तर्जमान जिले इंतजामिया शेखुपुरा फैसल जावेद का कहना है कि 11 एकड़ 4 मरले राजी के नीलामी यकमुश्त होगी। जिले इंतजामिया की जानिब से नीलामी का इश्तिहार शाया करवाया जा चुका है। शेड्यूल रेट के मुताबिक फी एकड़ कीमत 70 लाख रुपए मुकर्रर की गई है और नीलामी से हासिल होने वाली रकम सरकारी खजाने में जमा कराई जाएगी, जबकि कॉल डिपॉजिट जमा करवाए बगैर बोली में शिरकत की इजाजत नहीं होगी।